यौम पाकिस्तान के मौके पर खसूसी सब्ज हिलाले परचम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान के परचम को तैयार करने में पाकिस्तान के तमाम सूबों से माहिरीन अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 23 मार्च के लिए खसूसी परचम तैयार करने वाले फजल गनी टेलर मास्टर का कहना है कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये झंडा है तो हम हैं, ये झंडा नहीं तो हम भी नहीं। जब सब्ज हिलाले परचम बनाने का दिन आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। इस झंडे को हासिल करने से साडे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की थी। झंडा है तो असी है, झंडा नहीं है तो असी नहीं है। सब्ज हिलाले परचम साडे कोल आर्डर आंदा है कि भाई तैयार करने, तो सानू बड़ी खुशी होंदी है क्योंकि एक साल पूरा असी इंतजार करदे आ। इहदी तमाम साडी जितने इलाके दे ने, सिंधी ने, बलोची ने, पठान ने, पंजाबी ने, जिहड़े उर जबान बोलदे ने, तमाम लोग इस विच खा लैंदे ने। गनी फजल का कहना था कि अपने हाथों से तैयार किया हुआ परचम जब हम ग्राउंड में लेकर जाते हैं तो हमारा सर फखर से बुलंद हो जाता है। जब ऐसी लेके तैयार करके अपने हाथों नाल जब ग्राउंड ही लेके जाने हैं तो साडे सिर फखर तो बुलंद होंदे ने। सब्ज हिलाले परचम जब लहरांदा है साडे बड़े जज्बात होंदे ने। फ्लैग टेलर मास्टर ताहिर महमूद का कहना था कि आ रहे हैं 23 मार्च को पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।